टू द चैनल अगेन एंड आई होपनिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज आज मैं एक और एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। सो गाइज या लेट्स स्टार्ट। और आज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आज का टॉपिक है जेबर्ड एक्स टू का रिव्यू, शुड यू बाय दिस हेडफोन्स इन 2018। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम बैक एंड दिस आर माई ऑल न्यू जेबर्ड एक्स टू। ऑल न्यू नहीं कह सकते, ये इसके बाद X3 और X4 भी आ चुके हैं, बट मैंने X2 इसलिए लिए क्योंकि ये मुझे OLX.com पे सस्ते मिल रहे थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में आपको ये पक्के से मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेबर्ड्स है, मैं ट्राई करने वाला था जेबर्ड्स, बट जो जेबर्ड्स का प्राइस है इट्स टू मच। जेबर्ड्स आर अ लॉ मस्ट कॉस्टली। इनका जो एक्चुअल लॉन्च प्राइस था $150, यू कैन नॉट बिलीव $150। और ये बोस के साउंड सपोर्ट को टक्कर दे रहे थे जो कि अभी भी 13,000 रुपये में बिकता है, क्योंकि बोस के साउंड सपोर्ट पता नहीं 2-3 साल पुराना है, बट उसके साथ किसी ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिव्यू भी किया है और कंपैरिजन भी किया है और वर्सेस वाली वीडियोस बनाई हैं। तो मैं एक यूट्यूबर को जानता हूँ, जिम्स रिव्यू रूम, वही है उसका शायद नाम, मैंने उसका ही रिव्यू देखा था, जिम्स का रिव्यू देखा था। इंग्लिश बंदा है लेकिन बात सही की, और मुझे इससे ही ये पता चला कि एक्चुअल सच में जेबर्ड है। उस बंदे से ही मुझे ये मालूम पड़ा कि एक्चुअल जेबर्ड है, क्योंकि मैं उसका अनबॉक्सिंग देखा और वगैरह वगैरह देखा तो मुझे पता चला। सॉरी फॉर दैट कट, एक्चुअली मेरा फ्रेंड आ गया था, तो या ही इज इवेंट बैक। तो मुझे एक्चुअली एक जिम्स रिव्यू रूम वाले यूट्यूबर की वजह से मुझे पता चला कि ये जेबर्ड X2 है। बंदे ने मुझे सेल किया था, ये मुझे मिला है एग्जैक्ट इसके प्राइस में, ये मैंने नया खरीदा था उसी के प्राइस में जेबर्ड्स मिले। लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज दिस आर जेबर्ड्स एंड दिस इज JBL, और ये JBL के जो हेडफोन्स में जो बेस है ना, ये 3 साल पुराना हेडफोन भी बीट कर सकता है, उतना बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन इसको बीट नहीं कर पाया। ये 3 साल पुराना हेडफोन है और ये मुझे पड़ा है करीबन 2,000 रुपये के करीब, और उस बंदे ने मुझे सेल किया। पुराना है, सेकंड हैंड है बंदे का, सही बताऊँ तो ये मेरे को बिल्कुल भी सेकंड हैंड नहीं लगता। उस बंदे ने बोला कि मुझे गिफ्ट में मिला था इसका बॉक्स और जो कैरिंग केस वगैरह है वो उसने रख लिया उसके पास, बॉक्स उसने नहीं रखा, बॉक्स घूम गया, लेकिन जो कैरिंग केस था उसके पास था, लेकिन उसने जेबर्ड्स X4s ले लिए थे तो उसके साथ वो यूज़ कर रहा था, उसके साथ भी आए, लेकिन उसने बोला कि मुझे चाहिए तो मैं उसके पैसे कट कर लूँगा, तो उसने 400 रुपये उस चीज़ के मैंने उससे काट लिए क्योंकि उसने केस नहीं दिया। तो ऐड में भी नहीं बताया कि केस है, बट मैंने उसको जेन्युइनली पूछा कि मुझे केस है तो दे दे, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूँगा, तो उसने बोला केस है लेकिन 400 थोड़े बहुत पैसे काट ले, लेकिन केस मुझे चाहिए, वो मेरा बहुत पसंद वाला केस है, तो मैंने उसको दे दिया, हैप्पी था बंदा। तो मैंने बोला चल ठीक है रख ले कोई नहीं। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूँ ये जो हेडसेट्स है इनकी लेंथ, केबल लेंथ मैं आपको बताना चाहूँगा। सो गाइस सी द केबल लेंथ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये JBL यहाँ से शुरू है और एक्सबर्ड्स यहाँ से, एंड सीधा लेंथ यहाँ पर जेबर्ड्स ख़त्म और उसके बाद भी JBL अभी भी है, मतलब दिस मच लॉन्ग दे आर, मतलब लिटरली जेबर्ड्स इतने छोटे हैं और ये इतने बड़े, लिटरली मैं आपको पहन के बताता हूँ। तो गाइस ये देखो जो ये है कितने नीचे तक जाते हैं, और मैं इन्हें निकाल देता हूँ, और ये देखो गाइस कि ये कहाँ तक है, क्योंकि देखो इनकी हाइट की, मतलब इनकी जगह कितनी है, अगर मैं इन्हें पहनूँगा ना तो गाइस सी देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इन्हें पहनूँगा तो इनकी जो केबल है वो लटकती फिर दिख जाएंगी, क्योंकि इनकी केबल बहुत ज़्यादा बड़ी है। सॉरी JBL, बट इसके बाद वाला जो वेरिएंट है E25BT वो ज़्यादा अच्छा, मैंने उसको देखा नहीं था जब, लेकिन कसम से वो ज़्यादा अच्छा है अगर आपको चाहिए तो। देख सकते हो दिस इज़ कनेक्टेड टू द फ़ोन, तो इसलिए यहाँ पर लाइट जल रही है, तो देख सकते हो कितनी बड़ी केबल है। लिटरली अगर मैं जॉग या फिर भागूँगा ना हेडफोन्स नहीं निकलेंगे, प्योरली डन। बट केबल्स, अगर आपने मेरे वो एक अनबॉक्सिंग या रिव्यू वाली वीडियो में सामने ऐसा केबल सडनली आ गई थी, उसी वाला सीन है। देखो गाइस ये मैंने हेडफोन्स लगा लिया और अभी देखो, ये देखो गाइस देखो केबल कहाँ आ गई। अगर मैं ये चीज़ जेबर्ड्स के साथ करूँगा तो अभी आपको बताता हूँ। जेबर्ड्स ये मैंने जेबर्ड्स पहन लिए, अरे यार क्यों नहीं आएंगे, तो ये मैंने जेबर्ड्स पहने, अरे कान से ही निकल गया
एक्चुअली इसमें क्या है पता है, थोड़ा सा लूजीनेस है वो इसके ऊपर का एक वो होता है, वो भी उसने उसने बोला कि घूम गया वो विंग, उसकी वजह से अच्छे से कान में फिट होता है, वो ही नहीं है, अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एक्चुअली जब मैं शेक करता हूँ कान में से ही निकल जाते हैं। अब मैं इनको फिटली बैठा हूँ, देख सकते हो फिर से ये निकल गया। आई हिट यू मैन, देख सकते हो मैं इसको कान में लगा दूँ, कान से ही निकल जाते हैं ये बर्ड्स। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बट नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैं इसके विंग टिप्स मुझे पता है एक बंदा सेल कर रहा है, ओएलएक्स पे ही सेल कर रहा है, तो वो विंग टिप्स मुझे मिल जाएंगे। मैंने उसे बोला, उसने बोला कि कुछ 100 रुपये में दे देंगे तो विंग टिप्स की टेंशन नहीं है, कुछ दिन में आ जाएंगे। तो गाइस इतना ही है हेडफोन्स, बस देखो गाइस बस इतनी ही लेंथ है, बस नथिंग मच। तो गाइस इसलिए मुझे जेबर्ड्स कंपेयर टू द JBL मुझे जेबर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगे। अब एक 3 साल पुराना हेडफोन और एक साल पुराने हेडफोन, मतलब करीबन इन दोनों में 2 साल का डिफरेंस है, लेकिन जेबर्ड्स क्वालिटी अभी तक उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो फील करती है इसकी। प्लास्टिक देख सकते हो, प्लास्टिक, एंड अगर मैं इसको एक बार गिरा दूंगा ना डेड, अभी नहीं जाएगा क्योंकि नीचे कारपेट है, बट अगर मैं इसको फ्लोर पे गिरा दूंगा ये टूट जाएगा और इट्स डेड, प्रॉबेबली डेड। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर ये जेबर्ड्स पसंद आए। और वैसे इनकी केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हो कभी भी गुच्छा नहीं बनता इनका, इनफैक्ट इसका भी नहीं बनता क्योंकि इसकी भी फ्लैट केबल ही है, तो देख सकते हो आप कभी भी गुच्छा बनता नहीं है इन सबका। लेकिन हाँ, कोई भी वायरलेस हेडफोन का नहीं बनता, लेकिन कुछ चीप क्वालिटी का बन जाता है, लेकिन इसका नहीं बनता। ये जेबर्ड्स $150 के हैं, लेकिन अगर 2018 में, मतलब अभी, क्या इसके $150 वर्थ करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ सेकंड। चेक कर लिया, बेस्ट है अभी तो गाइस क्या ये अभी $150 वर्थ करते हैं? दे डू वर्थ $150 इन 2018, प्रॉबेबली $150 नहीं, लेकिन $20, हाँ $150 को ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये अभी भी नए पड़े होते किसी दुकान में और इनका जो प्राइस होता वो होता $60-70, तो अभी भी ये वर्थ इट है। $60-70, नो डाउट, अब $60-70 इज़ द मैक्सिमम नो डाउट, बट आपको ये 2000-1000 पर मिल जाएंगे $20 के अराउंड। तो $20 मोस्ट ऑफ द यस, मतलब मोस्ट ऑफ द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है सेकेंड हैंड लेने में। अगर ये नया होता तो मैं लिंक देता, लेकिन नया तो अभी मिलेगा नहीं। जेबर्ड्स X4 और X3 मार्केट में चल रहे हैं, तो मैं प्रॉब्ली आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर द X4 और 3। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे काश जेबर्ड्स X3 मिल जाएंगे इस प्राइस में, प्रॉब्ली नॉट ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, लेकिन 5000-6000 रुपये में जेबर्ड्स X3 मुझे चाहिए क्योंकि दे आर सो ऑसम। एंड या देर आर मेनी टाइप्स, बट मैंने इसको इसलिए ख़रीदा बिकॉज ऑफ द जेबर्ड्स। और गाइस मैं बता नहीं सकता इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, लिटरली गाना बस्ट करता है इसमें। अगर मैं आपको कोई अच्छा सा रिकमेंड गाना तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर मैं आपको बताऊँ कोई भी गाना जिसके अंदर बीट्स भर के हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसा गाना दूँ जिसमें बहुत सारे ड्रम बीट्स हों और बहुत ज़्यादा बस्टी या फिर हिप हॉप गाना हो, तो उसके लिए ये मैं पक्के से रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके अंदर बेस ज़्यादा नहीं है, बट इसके अंदर जो वो है ना ड्रम बीटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब मक्खन, मतलब कुछ नहीं बोल सकता, इट्स ऑसम। इस यार ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये JBL कुछ भी नहीं है। मैं JBL ऑब्वियसली बात है क्योंकि इनका जो रिटेल प्राइस मुझे पड़ा है, ऑब्वियसली ये नए मुझे पड़े हैं 7 दिनार में, और ये मुझे यूज्ड 3 साल पुराने हेडफोन्स पड़े हैं उसी सेम प्राइस में। अब आप बोलोगे ये 1300 रुपये के हेडफोन्स है और ये 2000 के, ये इतने महंगे क्यों? गाइस जब डॉलर का प्राइस इंडियन रुपीज़ का प्राइस नहीं गिरा था, अब गिर चुका है, तो ये भी 2000 के में होंगे और ये भी 2000 के, तो दे आर बोथ कंपैटिबल। मैंने दोनों को सेम ही प्राइस में लिया है, इसको मैंने लिया है 8 में और इसको मैंने लिया है 9 में, मतलब 200 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन ये 9KD वर्थ इट है गाइज, सिंगल पेनी वर्थ इट है। X2s मानता हूँ टूज है, लेकिन गाइज आई फील देम, दे आर स्टडी, दे आर रगेड, मैं कुछ और वर्ड्स नहीं दे सकता इसके बारे में। सो गाइज $150 तो नहीं है, लेकिन $80
पक्का वर्थ इट है. और या इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द स्मैश इट डजंट मेक सेंस स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इट्स डाउन रेड बटन. और यहाँ पर स्क्रीन में वीडियो की एंड में एक छोटा सा फोटो आ जाएगी मेरी जी लोगो आ जाएगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो यार आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. सब्सक्राइब कर लो गाइज. एंड या इफ यू लाइक दिस स्मॉल इंडियन हिंदी रिव्यू ऑफ दिस जेबर्ड्स एक्स टू. आज तक मैंने हिंदी का कोई भी अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू नहीं देखा बट मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ. शायद इंडिया में मिलते भी नहीं. आई रियली डोंट नो इफ दे आर अवेलेबल इंडिया बट या कुवैत में और अमेरिका में यहाँ वहाँ यूके में. उस बंदे ने बताया कि कुवैत में अवेलेबल थे लेकिन उसने इसको यूके से मंगवाया है बिकॉज लॉन्च के टाइम पे ये यूके में ही अवेलेबल थे. बट मोर ऑफनली वर्थ द मनी. सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड या आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय. पीस आउट. आई जस्ट ऐड माय डिनर. बाय बाय. पीस. एंड इस हेडफोन्स के बारे में अपने ओपिनियंस बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. और या आई विल सी नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय. पीस. दी नोट मैंने इसका साउंड टेस्ट या फिर साउंड कैमरा पे नहीं सुनाया. द रीज़न व्हाई आई डिडंट शो द साउंड और डिड द साउंड टेस्ट इज बिकॉज ये पक्के से तो JBL T110 को PT को बीट कर सकते हैं. लेकिन गाइस इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई माइक नहीं है और आई शुड कीप लाइक दिस नियर द फोन माइक एंड डू दिस सिली थिंग इसलिए मैंने इसका नहीं किया ये बात. एंड मैं बता रहा हूँ बट मैंने इसके लिए इसका ये साउंड टेस्ट नहीं किया. एंड जो रही बात मुझे इसके साथ क्या क्या मिला तो मुझे इसके साथ ये USB केबल मिली छोटी सी. ये एक्चुअल जेबर्ड्स की भी नहीं है उसने बताया. वो जेबर्ड्स की केबल ख़राब हो चुकी थी. तो या आई जस्ट गॉट दिस हेडफोन्स फॉर 980 बट या दिस इज़ द वर्थ इट प्राइस. एंड या आई विल सी नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय. पीस.